हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइस ब्लू। मैं उपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे ये जिंक का ऊपर, जिंक का पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और आप कहाँ एंट्री कर सकते हैं जिंक, उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले हम देख लिए जिंक का, मैंने ये 4 आवर चार्ट लिया, तो थोड़ा बड़ा कर देता उसको। हाँ, तो इसमें जिंक का देख सकते हैं पिवट पॉइंट आज 196.898, फर्स्ट रेजिस्टेंस 197, सेकंड रेजिस्टेंस 199 एंड थर्ड 200, फर्स्ट सपोर्ट 195, सेकंड 194 एंड थर्ड 192। तो आप देख सकते हैं ये जिंक डेली चार्ट, तो इसमें को थोड़ा मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मिला यहाँ पे, तो बाद में एक जाके मार्केट यहाँ पे साइडवे हो गया, राइट। तो यहाँ पे एक रेंज लेके अभी जिंक मार्केट यहाँ पे ही है, या एक रेंज में ही है, एक रेंज मिला है हमें। तो जैसे आप ट्रेडिंग करना चाहता है पहले, तो एक काम करना चाहिए, क्योंकि अब डेली नहीं तो 4 आवर में एक टाइम फ्रेम में लेके वहाँ का एक पैटर्न ले लीजिए, क्योंकि मार्केट 3 टाइप का पैटर्न होता है, आपको तो पता ही होगा शायद। एक तो अप ट्रेंड रहता है जैसे ऐसा, और नेक्स्ट डाउन ट्रेंड, राइट, थर्ड साइडवे, ये 3 पैटर्न में ही मार्केट रहता है, ठीक है। तो पहले आपको डेली में नहीं तो 4 आवर में एक पैटर्न फाइंड आउट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने अगर 4 आवर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मुझे पैटर्न मिल गया, राइट, और उस पैटर्न को मैंने क्या किया, एक रेंज निकाल लिया। तो मतलब एवरी पैटर्न, जैसे ये अप ट्रेंड का पैटर्न, तो अप ट्रेंड का एक रेंज रहता है, राइट। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो डाउन ट्रेंड में एक, सॉरी थोड़ा नीचे आ गया, तो डाउन ट्रेंड में एक रेंज रहता है, ये है एक रेंज, राइट, ये एक रेंज है, ठीक है। और अगर मार्केट साइडवे में है तो एक रेंज में रहता है। तो पहले आप 4 आवर या डेली में उसको लॉन्ग पोजीशन में, लार्ज टाइम फ्रेम में उसको रेंज को निकाल लेना चाहिए। जैसे हमें एक रेंज निकाल लिया यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे अप ट्रेंड था हायर हाई, बाद में ये हायर हाई बना नहीं पाया, लोअर का आसपास गया, ब्रेकआउट नीचे आया, थोड़ा लोअर बनाया, फिर से हायर बना दिया, लेकिन प्रीवियस हायर को ब्रेकआउट नहीं किया, फिर से लोअर बनाया लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो एक क्या मिल गया हमें, एक साइडवे, एक रेंज मिल गया, राइट। तो इसको बोलते हैं, अगर इलियट वेब का आपका थोड़ा जानकारी है तो इसको बोलते हैं जिगजैग पैटर्न, ठीक है। तो जिगजैग पैटर्न कब बनता है, कभी जब मार्केट अप टर्न लेता है, जो इसको कंसोलिडेशन बोलता है, ठीक है। करेक्टिव वेव, करेक्टिव वेव एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्म रहता है, करेक्टिव वेव, जैसे ये हुआ है, ठीक है। तो आपको अभी 4 आवर में एक पैटर्न मिल गया, राइट। तो इसमें आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, राइट। ट्रेडिंग करने के लिए ये रेंज में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सोचता है क्या है, यहाँ पे मुझे यहाँ लोअर लो था, ये हाई बना दिया, लो ब्रेकआउट किया, हाई बनाया, तो फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये अगर आपको पैटर्न पकड़ में आ गया, समझ में आ गया, तो आप यहाँ पे बाय नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ ब्रेकआउट आप सोच सकते हैं, इसको ब्रेकआउट किया हुआ है तो यहाँ से मैं बाय शुरू करेंगे, अगर यहाँ पे आप बाय शुरू करेंगे, अगर आपको पैटर्न फाइंड आउट नहीं कर पाया तो मार्केट बूम नीचे, तो ऐसा होता है। क्योंकि जब आप बाय ले लेंगे ये रीजन में, तो सोचता है जब आपने बाय लिया तो अभी मार्केट घूम नीचे आ गया, तो आपको ऐसा फीलिंग होगा, तो क्या कोई आपका मार्केट देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे करोड़ों ट्रेडर है, किसी को अकाउंट देखने के लिए किसी का भी पास टाइम नहीं है, ठीक है, एक्सचेंज का पास टाइम नहीं है, तो इसलिए फॉरगेट दैट थिंग। और आपको पैटर्न फाइंड आउट करना सीख लीजिए, कैसे पैटर्न फाइंड आउट करना है और कहाँ एंट्री करना है। तो ये अगर पैटर्न मिल गया तो ये रीजन है आपका एंट्री, यहाँ है एंट्री, सेल एंट्री के लिए यहाँ, बाय एंट्री के लिए यहाँ। तो अभी मार्केट नीचे आएगा, आपको बाय एंट्री के लिए यहाँ मिलेगा, आपको लगेगा ये, जैसे मैं इसको रिमूव कर
आपको लगेगा इसको ब्रेकआउट किया तो नीचे आ गया, तो आपको लगेगा यहाँ से मुझे सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 100 मूविंग एवरेज स्ट्रांगली सपोर्ट और एक ये रेंज बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे लगेगा आपको ये ब्रेकआउट किया तो मैं यहाँ से सोलो सेल सेल शुरू करें यहाँ पे। तो आप अगर सेल शुरू करेंगे मार्केट बूम ऊपर, ठीक है। तो अगर पैटर्न आपको पता नहीं आता तो यही हालत होता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर को, और साइकोलॉजिकली वो बहुत डिस्टर्बेंस आ जाता है, ठीक है, राइट। तो इसलिए आप वेट करना चाहिए ये रीजन में जब आएगा, क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला तो यहाँ पे बाय लेना है, थोड़ा नीचे एसएल लगाना है बुक प्रॉफिट नियर ये नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पे आप लेना है, क्योंकि कभी कभी वो जो प्रीवियस हाई रहता है, सो हाई रहता है वहाँ तक जाता नहीं, फिर से मार्केट जैसे ये प्रीवियस हाई नहीं किया मार्केट बूम, ठीक है, इसको गया फिर से ये ऊपर गया बूम, ठीक है। तो इसलिए एक पहले हमको मार्केट से निकल देना चाहिए यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है। अगर हम 1 आवर और 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो आपको क्या लगेंगे, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कन्फर्म किया हुआ है, राइट। जो आपको क्या होता है मूविंग एवरेज जैसे ये यहाँ पे कॉन्फर्म दिखा रहा है अप ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे आपको भी डाउन ट्रेंड दिखाएगा मार्केट, मूविंग एवरेज भी वो नीचे ऐसा फ्ला होके आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको लगेगा मार्केट टू तब नीचे, आपको लगेगा मार्केट और नीचे वाला नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, हमने 4 आवर में देखा क्या है, 4 आवर में यहाँ पे सपोर्टिंग रेंज और एक रेंज में मार्केट जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही एक रेंज में मार्केट जा रहा था, राइट। तो ये रीजन में इधर आ जाएगा, तो आपको लगेगा ये ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट किया कंसोलिडेशन आएगा, लगेगा आपको और नीचे जाएगा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल करना शुरू करेंगे तो आपको क्या है ये रीजन में पहुँच जाएगा लॉन्ग रेंज में, तो ये रीजन में मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे अगर सेल करेंगे तो मार्केट बूम ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इसलिए आपको ये जो रेंज है रेंज को निकाल लेना चाहिए। तो मैंने आपको ये क्या है जिंक में रेंज निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे ट्रेडिंग करना है आप देख सकता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे चांसेस कहाँ थे, ये रेंज 193 का रेंज के आसपास में है, तो वहाँ अगर मार्केट यहाँ तक तो आ गया 193, यहाँ से आपको सेल करना बंद करना चाहिए, क्योंकि वो रेंज में है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।